श्रीडूंगरगढ़ में पेयजल आपूर्ति बेहाल है और नगर पालिका क्षेत्र में वार्डवासी 2 सालों से पेयजल आपूर्ति को लेकर जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। लोगों का आरोप है कि राइजिंग लाइनों में अवैध कनेक्शन की वजह से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो वहीं वार्डवासियों ने जलादाय विभाग के अधिकारियों से इस पर संज्ञान लेने की मांग की है। समय रहते कार्यवाही नहीं होने पर धरने की चेतावनी भी दी गई है। हमारे यहाँ पानी की बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए नई पाइपलाइन डलवाई है। इन्होंने 7 दिन का आश्वासन दिया है, अगर 7 दिनों में नहीं होगा तो धरना दे के बैठ जाए। वार्ड नंबर 33 2 सालों में परेशान में लोग अवैध कनेक्शन वाला ज़्यादा परेशान कराए। मैं भी बढ़ जावा पानी खातर हट जावा, सुनाई नहीं कराए। हर चीज़ खातर बहुत जगह परेशान हो चुका मैं। 33 में श्री डूंगरगढ़ में ये पानी की समस्या को लेकर हम आए हैं। उसमें क्या है कि मेन जो लाइन है उसमें अवैध कनेक्शन है, तो बहुत अवैध कनेक्शन क्या है कि ज़्यादा होने के कारण पानी वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसलिए हम वहाँ पे 2 सालों से लगातार पत्र आयन और जैन साहब को